यस सर, लिप्स वाले करा दो सर। देखो मैं दो तीन लिप्स लिखता हूँ, ये पे एग्जाम्पल नंबर 13 है बेटा, जो मैंने गैस पेपर दे रखे हैं उनमें 13वां एग्जाम्पल है। पहली लिप्स है एक्स स्क्वेयर बाई 16 प्लस वाई स्क्वेयर बाई 9 इज इक्वल टू 1। हमारी जो इलिप्स होती है वो ये होती है, अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो इसको पहले हम स्क्वेयर के रूप में लिखेंगे, तो ये होगी ना, ये एक्स स्क्वेयर बाई 4 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, क्योंकि हमने स्क्वेयर लिखना है उस नंबर का किसी न किसी का। इसका उत्तर कितना था, पाई ए बी था एरिया, तो इसका उत्तर कितना आएगा बेटा बताना एक बार, 4 गुणा में 3 गुणा में पाई 12 पाई, ठीक है। अब कैसे निकलेगा, हमने ड्रॉ करना होता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 3, तो एक्स एक्सिस पे हमने कितना लेना है 1, 2, 3 और 4, 4,0, और इधर क्या लेना है बेटा -4,0। वाई के नीचे क्या है 3 है, तो इधर क्या लेना है 0,3, और इधर क्या लेना है बेटा 0,-3। जहां समझ आ जाए वहां बोल पड़ा रहो ताकि मैं भी कॉन्फिडेंट हूं। ये बन गई लिप्स, स्केचिंग होगी इसकी, एरिया पूरा चाहिए, तो पूरा क्या हो जाएगा इस क्वाड्रेंट का जो चौथा हिस्सा है, ये समझ लो पूरे एरिया का, इसका 4 गुना हो जाएगा। नाम भी रख लेंगे, ओ है, ओ के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, ये ए है तुम्हारा, ये बी है, तो अब लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। क्या होगा, और ये क्वेश्चन देखो बेटा 9 में आया हुआ है, 12 में आया हुआ है और 19 में आया, तीनों सालों में रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ओएबी। अब एरिया ओ ए बी की लिमिट्स क्या होंगी, मानसी बताएगी, नाइस काजल कोई सी बताओ बेटा, पायल यहाँ पे एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है ना, उसे कहाँ से शुरू होता है बेटा, हाँ 0 है, एक्स 0 है, यहाँ जहाँ से एरिया शुरू हुआ है उस पॉइंट पे एक्स देख लो कितना है, और जहाँ खत्म हुआ है, खत्म कहाँ हुआ है ए पे, वहाँ पे एक्स देख लो कितना है, तो ये तुम्हारी लिमिट होती है। लिमिट समझ में आ गई, एरिया जहाँ शुरू हुआ है वहाँ पे से एक्स कितना था, और जहाँ पे खत्म हुआ है वहाँ पे एक्स कितना है, क्या लिमिट हो जाएंगे 0 से 4। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इलिप्स, वाई ऑफ इलिप्स और इनटू डीएक्स। अब वाई निकालेंगे यहां से, वाई कैसे आएगा, वाई स्क्वेयर बाई 3 स्क्वेयर,
वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाई फोर स्क्वेयर। तो फोर स्क्वेयर एलसीएम आ जाएगा, ये फोर स्क्वेयर इधर आके गुणा हो जाएगा, फोर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर कितना हो जाएगा, थ्री स्क्वेयर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर नीचे था, और डिवाइडेड बाई फोर स्क्वेयर, और ब्रैकेट में बच गया फोर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब वाई रूट लेंगे इसका बेटा सारे का, तो यहाँ वाई कितना आ जाएगा, थ्री बाई फोर रूट ऑफ फोर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये निकालना आ गया बेटा, वाई स्क्वेयर बाई थ्री स्क्वेयर एक तरफ, ये इधर चला जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाई फोर स्क्वेयर, फोर स्क्वेयर एलसीएम आ गया, फोर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई फोर स्क्वेयर, तो थ्री स्क्वेयर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री स्क्वेयर बाई फोर स्क्वेयर। फिर हम रूट लेंगे क्योंकि वाई निकालना है, तो वाई स्क्वेयर था तो रूट लेंगे, तो जिनका स्क्वेयर है वो बाहर आ जाएंगे, बाकी रह जाएगा। समझ आ गई बात ये? यस या नो बोले यार बेटा? मानसी? यस सर। काजल? जी सर। पायल? यस सर आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो हमने वैल्यू रख दी वाई की, थ्री बाई फोर को बाहर भी ले लिया, फोर से फोर कट जाएगा तो कितना हो गया थ्री। अब इसका इंटीग्रेशन वही ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाला क्या होगा, ना इसी बताएगी क्या होता है, एक्स इंटू फोर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू, यही होता है ना, एक्स इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर क्या होता है ए स्क्वेयर यानी कि फोर का स्क्वेयर बाई टू, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, तो एक्स बाई ऊपर फोर रखोगे नीचे जीरो, ठीक है। अब एक बार चार रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे जीरो, चार चार स्क्वेयर माइनस चार स्क्वेयर बाई दो, चार बटे में चार, और माइनस में जीरो रखोगे तो ये सारा जीरो ही हो जाएगा, फोर स्क्वेयर माइनस फोर स्क्वेयर ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा इससे तो जीरो ही आ जाएगा, फोर स्क्वेयर बाई टू कितना हो गया सोलह बटे में दो, और साइन इनवर्स वन, ये कितने कट जाएगा आठ पे, साइन इनवर्स वन क्या होता है बेटा पाई बाई टू, तो ये किस पे कट गया चार पे, तो कितना आ गया बारह पाई उत्तर आ गया, यही आना चाहिए था हमारा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लो, ये भी नौ में दस में और बारह में आया हुआ है, एक्स स्क्वेयर बाई नाइन प्लस वाई स्क्वेयर बाई फोर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, एक्स स्क्वेयर बाई कितना हो जाएगा बेटा थ्री का स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर बाई टू का स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। समझ आ रही बात, इसका उत्तर कितना आएगा यहीं पता लग जाएगा, एलिप्स का सर्कल का तो वन, कितना आएगा उत्तर बेटा, 6 पाई। 6 पाई, गुड। K
किसने बताया ये? छह पाई सर। किसने बताया? सर नाइस ने। नाइस, वेरी गुड, समझ आ गया लगता। अब देखो बेटा, यहाँ एक्स स्क्वेयर बाई थ्री स्क्वेयर है, तो x के नीचे तीन है, तो x एक्सिस पे कितना काटेंगे हम? तीन। इधर कितना काटेंगे? तीन। और कोऑर्डिनेट क्या होगा ये? समझ आ गई बात। यहाँ दो का स्क्वेयर है, किसका स्क्वेयर है? दो का। तो इधर कितना काटेंगे? दो, तो जीरो कोमा टू, और नीचे क्या हो जाएगा? जीरो कोमा माइनस टू, जीरो कोमा माइनस टू। तो ये इलिप्स है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकलता है लगभग एरिया हर एक क्वेश्चन में। तो ओ नाम रख लो इसका, ए यहाँ पे, यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? पूरी लिप्स का बताना है ना, तो फोर टाइम्स एरिया कोई भी, समझ रहे हो बेटा? अब लिमिट्स, लिमिट्स क्या होंगी बताना एक बार, तुम बताओगे अब लिमिट्स, मन तो बतेरी बता दी। जीरो से थ्री, यहाँ से एरिया शुरू हुआ, यहाँ एक्स कितना था? जीरो। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना, जहाँ तक एरिया जाएगा यहाँ पे एक्स कितना है? तीन। और इसका वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट निकालो, एक जना बताएगा, पहले क्या करेंगे बताओ? ये इधर ही रखेंगे माइनस है वाई स्क्वायर बाय टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और थ्री स्क्वायर माइनस है एक्स स्क्वायर। नाइस, समझ रही है बात बेटा? जी सर। वाई आ गया दो बटा तीन, और रूट ऑफ थ्री स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ रख देंगे, दो बटा तीन रूट ऑफ थ्री स्क्वायर माइनस दो बटा तीन गुणा हो जाएगा बारह के, जीरो से तीन आठ बटा तीन हो गए बेटा ये, और थ्री स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसका क्या होगा बताना फार्मूले से? बताओ कोई भी एक बताओ, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का वैसे ही है, बताओ बेटा। एक्स इंटू थ्री स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू, थ्री स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर अपॉन में टू, हाँ तो प्लस थ्री स्क्वेयर बाई टू अपॉन में टू साइन इनवर्स एक्स वाई, एक्स वाई थ्री, ठीक है। एक्स की जगह कितना रखेंगे बेटा? तीन, तीन स्क्वेयर माइनस तीन स्क्वेयर बटे में दो,
तीन स्केयर बटे में दो साइन इनवर्स तीन बटा तीन और जीरो रखेंगे तो जीरो ही रहेगा, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि तीन स्केयर से तीन स्केयर कट जाएगा। आठ बटा तीन गुणा में तीन स्केयर बटे में दो साइन इनवर्स वन कितना होगा, फाइव बाई टू। तो तीन का स्केयर था एक तो तीन का कट गया, दो चौक आठ और दो दूनी चार, तो दो गुणा में तीन पाई कितना आ जाएगा, छह पाई आ जाएगा। तो कर लोगे बेटा ये इलिप्स किताब, जी सर। ठीक है जी। अब एक पैराबोला का देख लो और एक सर्कल का भी देख लो, एक सर्कल और एक लाइन है उसका भी देख लो, काफी इम्पोर्टेंट है, 2020 में भी आया हुआ है। एग्जाम्पल 9 है, 9 और 10 इकट्ठे देख लो, ये एक तो सर्कल है बेटा और एक लाइन है, कहता है इनके बीच का एरिया बताओ। तो सर्कल को स्केच करेंगे पहले, सर्कल का रेडियस कितना है बेटा, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इजिकल टू ए स्क्वेयर होती है। तो इसको ए स्क्वेयर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो का स्क्वेयर, ठीक है ना। तो इसका रेडियस कितना है, कोई भी बताओ बेटा कितना है, दो का जैसे रेडियस यहाँ पे ए था, यहाँ ए स्क्वेयर है तो रेडियस ए था, दो स्क्वेयर है तो रेडियस कितना है, त्रिज्या कितनी है इसकी, दो ही तो है बेटा, नहीं आई समझ में बात, ये बात समझ माइक नहीं आई, पहले ये बताओ अपने यस या नो बताओ। यस सर। सर हाँ टू है तो दो, इलिप्स में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अलग काटना पड़ता है, यहाँ पे यहाँ चारों दिशाओं में बराबर बराबर काटा जाता है, ये पॉइंट क्या हो गया, दो जीरो, ये क्या हो गया माइनस दो जीरो, ये क्या हो गया जीरो दो, ये क्या हो जाएगा जीरो माइनस, ये सर्कल, ठीक है। लाइन को भी खींच लो, लाइन के लिए दो ही पॉइंट काफी, एक बार एक्स को जीरो कर दिया वाई कितना आ गया दो, वाई को जीरो कर दिया एक्स कितना आ गया दो, ये तो तुम पहले एलपीपी में भी कर चुके हो। तो यह लाइन होगी बेटा, तो इनके बीच का एरिया क्या हुआ, ये समझ रहे हो, तो रिक्वायर्ड एरिया अब एरिया शुरू यहां से हुआ, यहां पे एक्स कितना है बेटा, यहां देखो एरिया यहां शुरू हुआ और यहां तक चलेंगे हम, यहां खत्म हुआ, एरिया यहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ यहां, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, यहां पे सीध किसकी है, ओ बिंदु की है, ओ पॉइंट की,
जीरो से टू, और वाई ऑफ अपर कर्व माइनस वाई ऑफ लोअर कर्व इंटू डी एक्स। अब जब दो इक्वेशन होंगी तो इसका मतलब दो कर्व के बीच में एरिया होगा, तो ऊपर वाला क्या है ये देखें हम, इसको हम यहाँ एक्स एक्सिस से देखेंगे तो ऊपर कौन सा आएगा, लाइन एक्स सर्कल है, ऊपर किसकी इक्वेशन है बेटा, सर्कल, सर्कल नीचे किसकी है, लाइन की, तो ऊपर वाले में से वाई क्या आएगा, टू स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, और नीचे वाले में से लाइन है, लाइन में से वाई क्या आएगा, टू माइनस एक्स, और सारे का इंटीग्रेशन। समझ आ गया होगा, वाई ऊपर वाले कर्व का और माइनस वाई लोअर कर्व का। अब 2 माइनस एक्स स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन है, पहले इसको मैं ब्रैकेट को खोल लूं, माइनस का 2 और प्लस का एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो उसी तरीके से होगा, कैसे होगा बताओ, एक्स इंटू काजल बताएगी, टू स्क्वायर बाय टू, प्लस फोर स्क्वायर, नहीं माइनस टू का क्या होगा बेटा, कांस्टेंट के साथ एक्स आ जाता है, जैसे दो हो तो दो एक्स हो जाएगा, तीन हो तो तीन एक्स हो जाएगा, समझ रहे हो, माइनस दो है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस दो एक्स, और एक्स का क्या होगा, इसमें एक पावर है ना एक्स में, तो एक में एक और जोड़ दो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, और नीचे क्या हो जाएगा दो, और लास्ट में ही लिमिट्स हो जाएंगे दो और जीरो, अब दो रखेंगे, दो गुणा में दो और दो स्केयर बटे में दो, और जीरो रखोगे तो सारा जीरो रहेगा, ये भी जीरो हो जाएगा, टू स्केयर माइनस टू स्केयर, तो के रह गया फोर बाई टू, कितना हो गया टू, साइन इनवर्स वन कितना हो जाएगा फाइव बाई टू, दो दुनिये कितना हो जाएगा चार, और ये हो क्या हो गया बेटा चार बटे में दो, दो से दो कट गया पाई, माइनस चार जमा दो यानी कि पाई माइनस टू उत्तर आ गया। ये है सर्कल और लाइन के बीच का एरिया, ऐसे ही इलिप्स और लाइन भी हो सकती है, इलिप्स और लाइन दे रखी है, एक इलिप्स दे रखी है बेटा, मैं कर ही देता हूँ इसको यहाँ पे, फिर सर्कल और इलिप्स का मामला क्लोज हो जाएगा। और लाइन क्या है एक्स बाई थ्री, तो पहले इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई थ्री स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई टू स्क्वायर, तो तीन है ये इधर, तो कितना काटना पड़ेगा तीन, इधर भी तीन, इधर कितना काटना पड़ेगा बेटा दो, तो जीरो कोमा दो, इधर कितना काटना पड़ेगा दो, तो माइनस
जीरो कोमा माइनस दो, ये लिप्स हो गई। स्केचिंग होगी लिप्स की, सर्कल इसकी लाइन की लिप्स, वाई तरीका एक्स वाई, एक्स को जीरो करोगे तो वाई कितना आएगा दो, वाई को जीरो करोगे एक्स कितना आएगा तीन, समझ रहे हो इस बात को। जैसे जीरो कर दिया एक्स, जीरो प्लस वाई बाई टू कितना हो जाएगा वन, तो वाई बाई टू कितना हो गया वन, तो वाई कितना आ जाएगा दो, फिर वाई को जीरो कर दो, फिर y को जीरो करेंगे तो क्या आएगा x बाई थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, तो x बाई थ्री कितना आ जाएगा वन और x कितना आ जाएगा थ्री। उसी तरह से ये लाइन कौन सी हो जाएगी, तो इनके बीच का एरिया ये होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, लिमिट्स क्या हो जाएंगी बेटा बताओ, जीरो से थ्री। वेरी गुड। और ऊपर कर्व किसकी है, एलिप्स की है या लाइन की है? एलिप्स। तो एलिप्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, मैं बता देता हूँ, दो बटा तीन और रूट ऑफ थ्री स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, कर चुके हैं हम ये ऐसा पहले, ठीक है ना बेटा। और यहाँ से लाइन का क्या आएगा, लाइन का देख लो, एक्स बाई टू थ्री प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू वन था ना बेटा, तो वाई बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बाई थ्री, वाई बाई टू कितना हो जाएगा तीन लघुत्तम तीन माइनस एक्स, y कितना हो जाएगा 2 बाई थ्री और इंटू थ्री माइनस एक्स, इसको गुणा कर लो अंदर, तो दो गुणा में तीन, दो बटा तीन गुणा तीन माइनस दो बटा तीन एक्स, तो ये आ जाएगा दो माइनस दो बटा तीन एक्स, और ब्रैकेट में रखना बेटा जब एक से ज्यादा हो, जीरो से तीन, दो बटा तीन बारह आ जाएगा, वैसे तो यहाँ दो बटा तीन नहीं रखते तो बढ़िया रहता, इसको बाहर ले लेते हम सारे में से, तो ये क्या रह जाएगा थ्री स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस का थ्री और प्लस का एक्स, जैसे सर्कल में बचा था। काजल बताएगी अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, थ्री स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का एक्स इंटू माइनस थ्री, थ्री स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू, थ्री स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर बाय टू साइन इनवर्स एक्स एक्स बाय थ्री, एक्स बाय थ्री बेटा, और माइनस तीन का कितना होगा, माइनस तीन एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, उसी तरह से दो बटा तीन, तीन रखोगे तो ये टर्म बचेगी, ये और ये वाला, ये तो खत्म हो जाएगी। चलो लिख लो एक बार, थ्री थ्री स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, थ्री स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स थ्री बाई थ्री, माइनस तीन गुणा में तीन जमा तीन स्क्वेयर बटे में दो, जीरो वाला जीरो ही रहेगा, ये खत्म हो गया। थ्री स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स वन क्या होता है बेटा, पाई बाई टू, माइनस नौ प्लस नौ बटे में दो, और ब्रैकेट में है ये सारा,
दो बटा तीन बार है, तो ये आ गया नौ बटा चार पाई माइनस, है ना, ये नौ है, नौ में से नौ का आधा, तो नाइन माइनस नाइन बाई टू आएगा ये। वैसे करना चाहो इसको एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे दो, ये आएगा माइनस नाइन बाई टू, टू बाई थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो दो से तो दो कट जाए, तीन से तो तीन बटा दो पाई माइनस तीन आ गया, ये आंसर आ गया। समझ आ गए होंगे बेटा ये पैराबोला को कल करेंगे, और वो डिटरमिनेंट सर एक बार फिर से करा दो। हाँ बोलो बेटा, कहाँ से समझ में नहीं आया, चलिए एक बार फिर से समझा दो। स्केचिंग समझ में आ गई थी जी सर। फिर जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या लिखते हैं बेटा, हम जीरो से थ्री और वाई ऑफ अपर माइनस वाई ऑफ लोअर इनटू डीएक्स। अब वाई ऑफ अपर क्या है, यहाँ पे इलिप्स, लोअर क्या है लाइन, अपर का ये वाई आया दो बटा तीन रूट ऑफ थ्री स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और लाइन से क्या आया दो माइनस दो बटा तीन एक्स इंटू डी एक्स। ये समझ आ गई बात, सर। ओके, दो बटा तीन मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ पे है ना, ये दो है समझ रहे हो, और ये यहाँ दो बटा तीन एक्स है, तो दो बटा तीन मैंने सारे के बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे तीन रह जाएगा, यहाँ पे जमा एक्स रह जाएगा ये, ठीक है, ये बात समझ आ गई। देखो दो तो बाहर आ गया, और एक बटा तीन और ले रखा है, अड़ा तीन था ही नहीं, तो नीचे तो कॉमन लेंगे तो ऊपर तीन लिखना पड़ेगा, ऊपर तो लेंगे तो वो फिर नीचे लिखना पड़ेगा अगर नहीं है तो वहाँ पे। या दूसरा तरीका मैंने यहाँ ये बताया था, वाई कितना आया था तुम्हारा, दो बटा तीन, तीन माइनस एक्स, इसको यहाँ यही रख लेते हैं हम, दो बटा तीन और तीन क्या हो जाएगा और माइनस में एक्स, तो ये दो बटा तीन यहाँ भी था यहाँ भी था, तो हमने बाहर लिख दिया, तो क्या रह गया थ्री स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट और माइनस थ्री प्लस एक्स। ये बात समझ आ गई जी सर। ओके, अब दो बटा तीन तो बाहर है, अब इसका इंटीग्रेशन लिखना है, थ्री स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फार्मूला है, माइनस तीन का क्या हो गया तीन एक्स, जमा एक्स का क्या हो गया एक्स स्क्वेयर बाई टू, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर तीन रखोगे लोअर जीरो रखोगे, तीन रखोगे तो तीन स्क्वेयर माइनस तीन स्क्वेयर क्या हो जाएगा जीरो, प्लस तीन स्क्वेयर बटे दो साइन इनवर्स तीन बटा तीन, तीन से तीन कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा पाई बाई टू, तीन गुणा तीन कितना हो गया माइनस नौ, और जमा में कितना हो गया नौ बटा दो, ये तो माइनस नौ और जमा नौ बटा दो है ना, इसको मैं हल करके दिखा देता हूँ, दो लघु तुम आ गया दो इधर गुणा होगा माइनस का अठारह, दो गुणा में होगा ना बेटा इधर जी सर, और जमा में नौ, तो माइनस का अठारह जमा का नौ कितना बचेगा माइनस का नौ और बटे में दो, तो मैंने इसको क्या लिख दिया माइनस नौ बटा दो लिख दिया इतने को, ठीक है, और साइन इनवर्स वन वो पाई बाई टू था, ये थ्री का स्क्वेयर क्या हो गया नाइन, अब दो बटा तीन मैंने अंदर गुणा कर दिया, यहाँ आगे बताऊं, अब आगे तो आ गया, बस यहीं से नहीं आया था। ओके ओके जी सर, आ गया। अच्छा ईबे एक डिटरमिनेंट का करा दूं ना,
ठीक है, एग्जाम्पल टू है डिटरमिनेंट का, यहाँ पे है ए बी सी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर बी सी सी ए क्या दिखाना है, ए माइनस बी बी माइनस सी, ये दिखाना बेटा। देखो a माइनस बी है ना, तो हम r1 में से क्या घटा देंगे r2, समझ रहे हो बात को, और यहाँ b माइनस सी भी है ना, तो क्या करेंगे r2 में से किसको घटा देंगे r3 को, r1 का मतलब है रो 1, r2 का मतलब है रो 2, तो पहले तो हम LHS लिखेंगे और इस जो डिटर्मिनेंट जैसा भी है इसको ये लिखेंगे, अब ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 changed by R1 minus R2, R2 changed by R2 minus R3, तो इस A में से क्या घटेगा B, A minus B, A square में से क्या घटेगा बेटा B square, और BC में से क्या घटेगा सी, यहाँ क्या होगा बी में से क्या घटेगा सी, बी स्क्वायर माइनस सी और सी ए माइनस बी स्क्वायर ए बी, और सी यो छेड़ा है नहीं हमने, दो ही ऑपरेशन करने होते हैं एक साथ, अब है ना बेटा इनको फैक्टराइज कर लो स्क्वेयर वालों को, मैंने फार्मूला बताया था एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर क्या होता है, जिनके स्क्वेयर होते हैं उनको एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो, एक्स माइनस वाई इंटू अगर ये कट भी जाता है तो मैं दोबारा कराऊंगा बेटा लिंक इसको ज्वाइन, ताकि ये क्वेश्चन पूरा हो जाए, यहां से क्या कॉमन आ रहा है सी, तो क्या बचेगा बेटा बी माइनस ए, ये क्या है बी माइनस सी, और इसको फैक्टराइज करोगे बीच वाले को तो क्या बचेगा बी माइनस सी इंटू, और यहां क्या कॉमन आ रहा है इनमें ए, ए बार ले लेंगे यहाँ क्या बचेगा सी माइनस बी, देखो यहाँ तो ए माइनस बी है बेटा, यहाँ भी ए माइनस बी है, यहाँ भी होना चाहिए ना, यहाँ पे क्या है तुम्हारा सी है और बी माइनस ए है, ए माइनस बी नहीं है, तो क्या करेंगे माइनस बार लिख के इसको क्या लिख देंगे ए माइनस बी, इसको भी क्या लिख देंगे बी माइनस सी, तो एक स्टेप में हम इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस सी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा बी माइनस सी, ए प्लस बी बी प्लस सी, और क्या रह गया बेटा माइनस ए बी माइनस सी, ये बात समझ में आ गई ना तीनों के, जी सर जी सर, हाँ तो पहली जो रो है इससे क्या बाहर आ रहा है a माइनस बी, a माइनस बी,
और इससे बाहर क्या आ रहा है? b-3। डिटरमिनेंट में हम किसी रो या कॉलम से बाहर ले सकते हैं, मैट्रिक्स में नहीं ले सकते। मैट्रिक्स में तो हर एलिमेंट से बाहर जाता है। 1 a+b, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस का c। 1 b+c, और यहाँ क्या बचेगा बेटा? माइनस का c। माइनस ठीक है बेटा, माइनस ए बचेगा वो सेकंड रोज। ओके वेरी गुड, सही है ना ये। अब और क्या चाहिए? देखो ए माइनस बी भी आ लिया, बी माइनस सी, और क्या रह गया? सी माइनस ए। सी माइनस ए कैसे आए? हम इनको भी घटा देंगे यहाँ पे। सी देखो, सी माइनस ए क्या आएगा? ये जो बी प्लस ए है, बी प्लस सी, इसमें से क्या घटाएंगे? ए प्लस बी घटाएंगे। बी से बी कट जाए, क्या आ जाएगा? सी माइनस ए। यहाँ भी क्या होगा? माइनस ए प्लस सी, यानी कि वो क्या लिखा जाएगा? सी माइनस ए। तो क्या करेंगे ऑपरेशन? आर टू चेंज्ड बाई आर टू माइनस आर वन। तो ये तो न्यू की न्यू है, वन में से वन गया, कितना बच गया? जीरो। बी प्लस सी में से क्या घटाना है? ए प्लस बी। तो माइनस का ए और माइनस का बी, यो माइनस का ए है, यो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का। सी स्क्वेयर और ए, यहाँ बी से बी कट गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अब? ए माइनस बी, यहाँ क्या बचेगा? जीरो, और यहाँ सी माइनस ए, और सी माइनस ए, सी को पहले लिख लें तो ये अभी क्या बच गया? सी माइनस सी। इसमें से क्या बाहर आ गया बेटा? सी माइनस ए, और क्या बच गया? 1 ए प्लस बी माइनस सी, 0 1 1। ठीक है, अब एक एंट्री को और जीरो कर लो, तो इस कॉलम में से हम क्या घटा देंगे बेटा? ये वाला कॉलम घटा देंगे, सी टू है ना ये, इसमें से क्या घटा देंगे? सी थ्री घटा देंगे। तो सी टू चेंज्ड बाई सी टू माइनस सी थ्री, मैं यहीं लिख देता हूँ। ए प्लस बी प्लस क्या हो गया? सी। सी प्लस का हो जाएगा, एक मत एक गया जीरो, यो जीरो था एक। सी स्क्वेयर माइनस सी वन और ए बी। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसको इससे एक्सपेंड कर देंगे वन से, बाकी दो एंट्री तो जीरो हो जाएंगी। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक तो माइनस का निशान जाएगा। ठीक है, और एक क्या होगा? ये प्रोडक्ट, ये होता है ना, ये प्रोडक्ट माइनस में ये प्रोडक्ट, तो क्या होगा? क्योंकि इस ये वन से एक्सपेंड कर रहे हो ना तुम, जीरो जीरो, ये भी जीरो, किसी रो से कर लो, किसी एक कॉलम से कर लो, डिटरमिनेंट की वैल्यू वही आएगी।
पहले हम पहली रो से करते हैं जनरली, जो हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन करते हैं तो पहली रो से करते हैं ना वो, तो वही काम हम दूसरी रो में भी कर सकते हैं, तीसरी में भी कर सकते हैं, वही कॉलम में भी कर सकते हैं, तो वैल्यू सेम आती है। तो हम दूसरी रो में कर रहे हैं, दो एंट्री तो जीरो है, लास्ट वाली बच गई। लास्ट वाली बचेगी तो क्या होता है, सी स्क्वेयर यहाँ पे लिखेंगे और इसको अंदर गुणा कर देंगे, सी स्क्वेयर माइनस सी इंटू ए कितना हो जाएगा, ए सी, सी इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा, बी क्या हो जाएगा, माइनस का बी सी, और सी इंटू ये क्या, अच्छा सी स्क्वेयर माइनस ए बी था ये भी, क्योंकि हमने घटा दिया था ना, घटाना था इसमें से, तो सी स्क्वेयर में से क्या घटेगा, ए बी, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर, माइनस का सी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कट जाएगा और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। मैं इस पार्ट को आगे कर देता हूँ दूसरे पेज पे, देखो क्या हुआ है, ये कंजस्टेड सा हो गया इस पे। देखो हम कहाँ पे थे, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई थी ना, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए भी बाहर ले लिया था, यहाँ आ गया था वन ए प्लस बी माइनस सी, जीरो वन वन सी सी स्क्वेयर ए बी, ये बात समझ आ गई थी ना बेटा यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, C2 में से क्या घटाएंगे बेटा, C3 घटाएंगे, A प्लस बी प्लस ए प्लस बी इसमें से ये घटाएंगे, समझ रहे हो ना, वन में से ये घटाएंगे सी स्क्वेयर में से, वन जीरो सी, ए प्लस बी प्लस सी हो गया यो, और एक में से एक गया जीरो, सी स्क्वेयर में से क्या घट जाएगा, ए बी। अब हम इससे एक्सपेंड करेंगे तो एक वाला बचेगा और इस रो को छोड़, कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ेंगे तो क्या होगा, वन ए प्लस बी प्लस सी, सी सी स्क्वेयर माइनस ए बी, यही होगा ना बेटा, फिर ये प्रोडक्ट माइनस ये, सी स्क्वेयर माइनस ए बी, माइनस में ए सी, माइनस का बी सी और माइनस का सी स्क्वेयर, और देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, माइनस का साइन हो रहा है, अब सी स्क्वेयर था सी स्क्वेयर कट गया, तो माइनस का ए बी माइनस का ए सी माइनस का बी सी, माइनस बारह के प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो हमारा आरएचएस में है, अब इन क्वेश्चंस की टेक्निक क्या है, दो टर्म जीरो करनी तुमने, जैसे आज ये जीरो जीरो हो गया, वन वन होते ही हमने जीरो करने से मतलब होता है, जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में वन वन तीन जगह था, दो तो दो को एंट्री कर लो, किन्हीं दो को घटा लो, यहाँ एक टेक्निक और भी है मैं वो कल कराऊंगा, और एक ये थी एक भी, जैसा हम दोनों साइड देखते हैं, दो ही टेक्निक है बस इनकी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चार या छः नंबर का आ सकता है, तो इनमें जैसे हमने ए माइनस बी देखा तो इसको और इसको घटा लिया आर वन में से आर टू, बी माइनस सी है तो आर टू में से ये भी घटा लो, हमारा आंसर आ जाएगा, रास्ता निकल जाएगा। अब यहाँ जैसे वन टू थ्री है तो दो एंट्री को जीरो करना है, तो इसका दुगुना इसमें से घटा देंगे, इसका तीन गुना इसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ये है जैसे
आ रही आवाज बेटा? गुड़िया आ रही आवाज? जी यस सर। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है 2012 में भी 13 में लगातार आ रहे हैं, ए माइनस बी माइनस सी है, यहाँ यहाँ दो है, तो इधर देखो ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो हम ये देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बनेगा कैसे। 2b है इसमें जोड़ देंगे, 2c इसमें जोड़ देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाए। तो आर वन में हम क्या जोड़ेंगे, आर टू और आर थ्री जोड़ देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनको हम कल करेंगे, आज यही एग्जाम्पल कर लेना जो मैंने करवाया है, ठीक है ना बेटा? थैंक यू बेटा, ऐसे ही लगे रहो।